नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करते हैं कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर क्यों कसम खाई जाती है, क्यों कहते हैं कसम गीता की। इसके बारे में आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी। फिल्में अलग चीज है और जो रियल लाइफ है वो अलग चीज है। दोस्तों फिल्मों में आपने देखा होगा कि गीता पर मैं कसम हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूंगा वो सच कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों ये प्रथा ना तो कोई कानून है, ये सबसे पहले मुगल शासकों द्वारा ये प्रथा चलाई गई थी, जो 1873 में ये प्रथा प्रचलित थी। 1873 में मुगल शासकों ने अपने आप पर विश्वास नहीं था। मुगल शासक कहते क्या थे और करते क्या था, क्योंकि जो बात मुगल शासकों में दरबारी जो शासक थे उसमें जो कहते थे वो क्या अपने बदल जाते थे, मतलब जो कहते थे वो करते नहीं थे। इसमें वो ये चाहते थे कि जो भारत कि जो लोग हैं उनको किस प्रकार से विश्वास में, उनको किस प्रकार से बंदिश में रखें। तो क्योंकि भारत में जो लोग थे वो धार्मिक भावना से जुड़े हुए थे, धर्म के प्रति उनकी आस्था थी कि अगर वो धर्म के प्रति जो कुछ कहते थे वो करके दिखाते थे। इसलिए मुगलों ने यह सोचा, एक चाल चली जिससे मुगलों ने गीता की कसम खिलाना शुरू कर दी भारत में। क्योंकि भारत के जो लोग थे गीता की कसम खाने के बाद वो सच बोलते थे, झूठ कभी भी नहीं बोलते थे। तो मुगलों ने सोचा कि भारत को व्यक्तियों को सच और एक जगह रखने के लिए गीता की कसम खिलाना शुरू कर दी थी। दोस्तों ये इंडियन हो जो कानून बना था मुगलों के शासक 1873 में, उसके बाद में फिर 1873 के बाद में 1873 में इसमें कुछ कमीशन ने संशोधन किया। उसके बाद संशोधन करने के बाद इसे फाइनली तौर से हटा दिया गया है। क्योंकि आजकल आपने फिल्मों में देखा होगा कि गीता की कसम खाते हैं, लेकिन आज की टाइम में जो रियल कोर्ट में गीता की कसम नहीं खिलाई जाती। लेकिन दोस्तों गीता की कसम जो खिलाई जाती थी इसलिए खिलाई जाती है कि मुगल शासन अपने भारत के जो लोगों पे उन पर पाबंद रखना चाहते हैं उनको, क्योंकि भारत के लोग आस्था पर दृढ़ विश्वास रखते थे, अपने इष्ट पर रखते थे। अगर वो गीता की कसम खा जाते थे वो कभी भी बदलते नहीं थे, इसलिए उन्हें गीता की कसम खिलाई जाती है। लेकिन दोस्तों आजकल कोर्ट में अभी वर्तमान टाइम में कोर्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो गीता की कसम खिलाई जाती। आज केवल कोर्ट में कहा जाता कि मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, ये आजकल कसम खिलाई जाती है। अगर दोस्तों इसके अलावा जो 12 साल से कम का बच्चा है उसको ये कसम या ये शपथ नहीं खिलाई जाती, ये शपथ नहीं दिलाई जाती। अभी कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है कि मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा। लेकिन दोस्तों मान लो जो व्यक्ति जो गवाह है अगर बदल जाता है तो उसके लिए भी कानून है। अगर गवाह अपने बयानों से मुकर जाता है तो सेक्शन 193 आईपीसी में स्पष्ट कहा गया है, अगर अपने बयानों से अपने जुबान से अपने गवाही से कोई व्यक्ति विचलित हो जाता है या उस बयानों को पलट देता है या बदल देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उन्हें 7 ईयर की सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों इस वजह से गीता की कसम पहले मुगल शासन काल में खिलाई जाती है, लेकिन अभी वर्तमान टाइम में नहीं खिलाई जाती। फिल्मों में ये सारी चीज़ें होती है लेकिन जो रियल कोर्ट लाइफ में है ये चीज़ें नहीं होती। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो मुझे सपोर्ट करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।